क्या बोले, बहुत बुरी समस्या है। कुछ हाँ। भी योजना डाले, कुछ भी कोई भी रिप्लाई नहीं है, समस्या का हल नहीं है, है ना। हाँ, इतना यहाँ बुरी हालत है यहाँ पर। अच्छा, ना हमारा बेटी बहू, ना दुनियादारी, ना पानी के लिए तरसते रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। हम अभी आए हैं कल्पा पंचायत में, जहाँ पे कल्पा में एक पंचायत भवन बना है, जहाँ पे उद्घाटन के लिए हमारे नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं। और ये कल्पा पंचायत के जहाँ से पंचायत भवन बना है, वहाँ से लगभग 200 मीटर के दूरी पर ये गाँव गौनसा गाँव है, जहाँ पे हम जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है, क्या दिक्कत है, समस्या जानने के लिए हम आए हैं। तो हमने देखा कि कल रात में वहाँ पे जो नीतीश कुमार जी आने वाले हैं, वहाँ पे वीडियो में देखिएगा, एक वीडियो बनाए हैं, उसमें पूरा विकास हो गया, रोड नहीं बना था 10-15 साल से, वह बन गया है। गांव में देख रहे हैं कि सब बढ़िया से सब बराबर कर दिया गया है, जो रोड खराब था, लेकिन यहाँ पे एक तरफ आते हैं तो इधर पूरा सुखाड़ दिख रहा है। देखिए, आइए हम जनता से जानने का प्रयास करते हैं, क्या है समस्या सर आपके गांव में? यहाँ पर की समस्या यही है कि हमारे नली गली रोड पूरा पानी से भरा हुआ है, कोई विकास का उपलब्ध नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं, नेता मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये हुआ, सब आते हैं अपना अपना काम करके, कल्पा पंचायत से सब अपना निकल जाते हैं। गोनसा एक नंबर वार्ड के कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हमारे। हाँ, एक नंबर वार्ड में हमारी बेटी बहू के लिए शादी ब्याह ये होता है, पंचायत भवन मांगते, पंचायत भवन नहीं बनता, सदर हॉस्पिटल मांगे, सदर हॉस्पिटल आया यहाँ के नाम पे चल गया, कल्पा के नाम पे वहाँ जाके बन गया। बोलिए क्या समस्या सुधार कर रहा है? पंचायत भवन एक ही को ना रहेगा? हाँ, एक ही को रहेगा, लेकिन बनना चाहिए ना, कहाँ बना है? संविधान भवन बना है कहाँ? समुदाय भवन। हाँ, संविधान भवन कहाँ बना है? नहीं बना है, नहीं बना। देखिए प्लॉट मेरा खाली है, यहाँ से चला गया कल्पा, बड़की कल्पा, छोटकी कल्पा, गोनसा भी में कुछ विकास नहीं है। नली गली देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, देख लीजिए, पूरा मोहल्ला घूम के देख लीजिए। और क्या समस्या है? नल जल कुछ नहीं है, सब ब्लॉक होल है, पाइप टूटा हुआ है, पानी रोड पे बह रहा है, मोटर सही नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पूरा ट्रांसफार्मर से कलेक्शन सही नहीं है, सब देख लीजिए क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, ये बाबा एक विकलांग है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं, क्या समस्या है? ये नली गली तो नरक में हम नहीं रहते हैं जी। अब नली गली के बाद जैसे देखिए कि रोड पर पानी, इसे अगर देखिए रहे जंगल झाड़ जैसे ऐसी घास रोड पर तक जमल है, ऐसे ही यहाँ इतना प्रतिष्ठा हमने के बच रहा है, कैसे जो हम नहीं जान रहे हैं। ये बताए, आप विकलांग है, आपको साइकिल मिला? नहीं मिला, न आज तक न मिला। बोले साइकिल के लिए हमने चार बार गया, एक बार चार बार हम भरे हैं, तो कि जैसे तो हमारे 55% सर्टिफिकेट में आई है, तो कि नहीं तुमको मिलेगा। कौन सी बोला? कहा कि नहीं मिलेगा तुमको, 55% है। क्या 55% है? सर्टिफिकेट। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा ना। अच्छा, और क्या है समस्या गाँव में, थोड़ा सा चलिए एक बार देख लेते। हाँ हाँ, बताइए सर, बोलते हैं क्या समस्या है? घर गोनसा पोस्ट कल्पा जिला जहानाबाद का मैं निवासी मंटू राउत बोल रहा हूँ जी। बोलिए। स्वर्गीय राजेंद्र राउत पिताजी हुए। कहने का मतलब यह है कि ट्रैक्टर जाने के विषय में मेरा फसल लगल था, एक कट्ठा जमीन था, उसमें मुझे गाड़ी नहीं लेने जाने दिए गए, उसमें मेरा रास्ता को भंग कर दिया गया है। अच्छा। सरपंच भी आवेदन दिए हैं, अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हमें चाहते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं चाहूँगा कि जो भी कोई सरकारी काम हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उस पर वो एक्शन ले, चूँकि कि वो बहाली किए हैं, पैसा देते हैं, कोई भी कर्मचारी हो उसका वेतन देते हैं ना, तो उससे काम तो लेने का उनका अधिकार है, और अधिकार है कि जो सही काम है जो होना चाहिए। ये व्यक्तियत हम नहीं चाहते हैं कि हमारे तरफ हो चाहे उसी के तरफ हो, जो जायज काम है वो होना चाहिए और सार्वजनिक काम होना चाहिए। इसमें हम नीतीश कुमार जी को कहेंगे, बुराई नहीं कर रहे हैं काम पर, ये अपना मत अपना ध्यान से काम करें। ये देखिए हम रोड दिखा रहे हैं, यहाँ पे नली रही, यहाँ देखिए, यहाँ बगल के है गाँव, नली नहीं रहने के कारण पानी देखिए रोड पर बहता है, और जहाँ तहाँ जिधर तिधर खेत में पानी जा रहा है, देख सकते हैं आप, देखिए रोड की स्थिति क्या है, कैसे पानी पार हो रहा है।
आइए बगल में टाउन है, यहाँ नरक वोट उसी के जाती यहाँ है। बताइए, देखिए ये नली है, नली देख सकते हैं, नली है ये जात है जहाँ उसका वहाँ नली गली खराब है। देखिए यहाँ पे ये नली का स्थिति है। हाँ जी, इनका घर नहीं मिला जी। हाँ चले, एक गरीब व्यक्ति हैं। हाँ तो बताइए, इनका घर दिखाइए जरा सा। घर मिला है कॉलोनी? ना जी। कहा है जी? हमारा ला सरकार है ये नहीं था। तो सब के भरा आई थे ले, तू ना भरे लू भरावा ही आई बे ना करे तो का करी। तो जे भरा तू जे कोजी का खून कोजी का खून इन्हें बतिया ला पहले। हाँ बोला, कोजी का खून कि अभी सरकार अभी आदेश न देल थुन है, आजे से कॉल नहीं आइले है। तो हमनी गोमसा ने मुसहारे नहीं तो फिर अभी देखूगा तो मुसर के कोई के कॉलोनी बन रही है ना, कोई के मिल रहे है ना नीचे जी हूँ तो एको कोई के कॉलोनी मिल रही। देखिए, जिसको कॉलोनी मिलना चाहिए गरीब आदमी के, देखिए इसका घर देखिए, इनका देख सकते हैं लोकेशन देखिए। ये देखिए, हाँ बाबा है ये, क्या बोलिए, वृद्धा पेंशन मिला बा? कैसे बोलना, वृद्धा पेंशन मिला बा? हेलो। हाँ हेलो, हाँ गुंसा से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, समस्या? हमारी तबीयत खराब है। हाँ ठीक है, करके इंतजार कीजिए। जय हिंद। पैसा मिलता है सरकार से? नहीं मिलता, नहीं मिलता है। देखिए ये गरीब व्यक्ति हैं जिन पर मतलब कि यहाँ तो घर का पैसा ही नहीं मिला, बेचारा के लगता है वृद्धा पैसे नहीं मिलता इनका जी, वृद्धा पैसे भी नहीं मिलता है। देखिए, देख सकते हैं गरीब का ये हालात है। नीतीश कुमार हमारे बगल में ही आ रहा है, उधर सब काम चकमक आ गया है। ये देखिए नली है जहाँ पे हमारे नीतीश कुमार, जिस पंचायत में नीतीश कुमार का आगमन है उसी पंचायत का ये नली की व्यवस्था देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। ये देखिए नली, देख सकते हैं ये नली है जी, कहीं नहीं नली बना है। ये देखिए यहाँ पे बनवे करता था तो इतना दिक्कत होता, ठीक है तो सारा पूरा व्यवस्था। देखिए देखिए पानी फटा हुआ है, बड़ा बड़ा डेंगू नहीं जो आया है। किधर है ये नली? देखिए ये है नली, देखिए पूरा लाइन लगे आप, देखिए क्या स्थिति है, देख रहे स्थिति पूरा। आइए, और नल नल जल की स्थिति किधर है देख लीजिए, ये हालात है देख सकते हैं। हाँ, तुम कौन क्लास में पढ़ती हो? फाइव क्लास में। फाइव का मीनिंग बताओ। दिक्कत होता है तो दिक्कत को बताना है। फाइव का मीनिंग बताओ। एफ आई ई। है तुमको नहीं बोलना? एफ आई ई भी। अच्छा देखिए, ये हमारी मैया है जो फाइव क्लास में पढ़ती है, लेकिन ये फाइव का भी मीनिंग नहीं बता पा रही। ये सरकारी स्कूल का हालात है। हाँ ये स्टूडेंट और है, क्या नाम है आपका? शिवम। कौन क्लास में पढ़ते हो? फोर क्लास में। ये बताओ कौन स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में, स्कूल का नाम? कितने अक्षर होते हैं? 26। अच्छा बहुत बढ़िया। ट्यूशन जाते हो? नहीं जाता। देखिए ये ट्यूशन बच्चा नहीं जाता ठीक, फिर भी थोड़ा बहुत बहुत बढ़िया जानता है। चलिए और भी हम जानते हैं गांव का समस्या। ये चबूतरा है, सरकारी चबूतरा है ना? ये सरकारी चबूतरा पूरा पूरा गांव का है। ये दिन में टूट गया? ये कहाँ, इसको लगता है कि 3 से 4 साल के अंदर में पूरा लेके बैठ गया है। टूट गया देख लीजिए आपको सामने ना जी, देख सकते हैं आप। ये हालात है। क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या है कि नाली नहीं है, अच्छा रोड नहीं बना है, कोई साधन नहीं हम लोग को मिला है। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, पता है? हाँ मालूम है, उधर तो बन गया, रातों राता सब कुछ बन गया। हाँ तो उधर दिखाना था इसलिए बन गया। हाँ इधर तो नीतीश कुमार आएंगे नहीं। हाँ इसलिए इधर नहीं बना। इधर जो ठीका भी लेता है वो अपने पॉकेट में डालता है। अच्छा
तो नीतीश कुमार जी से क्या बोलना चाहते हैं? पब्लिक का भी गलती है कि पब्लिक भी एक्शन नहीं लेता है यहाँ। बात सही है। क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को? हम लोग को भी गांव प्रोग्रेस करें। बोलो उधर तो आ रहे हैं घूम के, जिधर बन जाता है थोड़ा इधर भी घूम लीजिए। क्या कनेक्शन नहीं है? इसमें सिर्फ तार तान के छोड़ दिया गया है, इसमें कोई लाइन का कनेक्शन नहीं है। पोल पोल जो बक्सा देता है कहीं बक्सा नहीं है। तो फिर लाइन कहाँ से आता है? लाइन ऐसे ही सब उसे फसा फसा कर जला रहे हैं। वो टोका टोका सिस्टम बनाए हुए है, टोका से जला रहे हैं। अब गिर गया है तो एक आदमी का दुर्घटना भी हो गया था इसी तार की वजह से। अच्छा, क्या पोल है? क्या पोल? उस समय हम बोले कि इसमें सीमेंट और जो गिट्टी देकर इसको जाम कीजिए। पोल ठीक से नहीं गाड़ा गया, बिजली वाला नहीं गराया है। ये हम लोग का जो ये कोपल वाला जो लाइन का जो व्यवस्था किया गया तो इसमें लाइन नहीं अभी तक दिया गया है। ये देखिए नल जल की स्थिति, देखिए स्थिति क्या है, इधर पानी अभी नहीं करता है। देखिए ये नल जल की स्थिति है। यहाँ सर्विसिंग रिपेयर वाला पैसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, कभी ने होवे नहीं किया है। देख सकते हैं इस पंचायत में भी नल जल का रिपेयर नहीं हुआ। ये देखिए ये कल है और ये यहाँ से जल जाता है, लेकिन जल जाने का कोई साधन नहीं है। देखिए नली है नहीं है, ये रोड पर ही बहता है जिसके चलते काई वगैरह लग जाता है, फिसल के सब गिर जाता होगा बच्चा। देखिए आप कितना खतरनाक नली है। हाँ ये देखिए ये गरीब आदमी का ये घर है और ये देख सकते हैं कोली ना मिलो है ना सर, ना मिले सब गिरल धन वाला तो होल है। गरीब आदमी के जुटित नहीं कि कहाँ से कहा ना कोली मिलो ना मिले हमने के हुए थे से ना मिले, बूढ़े बूढ़ी के ना मिले तो हमरो ना मिली थे। खेत हवा खेत कौन सी है? यही रहे का जगह तय ना मिलो। देखिए इनको कॉलोनी मिलना चाहिए जो नहीं मिला, देख सकते हैं आप। देखिए पानी का जल जमाव है। हाँ पानी का जल जमाव है यहाँ पर, आदमी को उधर दिखाइए पार होने का बहुत दिक्कत है। रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, वो स्कूल के उधर से जाने पड़ता है, इधर कोई रास्ता नहीं है। और कोई इस पर मुखिया जी को बोलते हैं तो बोलते हैं कि से इसका फंड हमको पास नहीं है। और कल्पा में देखा जाए तो मुखिया जी के बगीचा से बगल रोड के बगल तक 3-4 पुल बन चुका है। इस गांव के लिए मैंने कोई आदमी को कोई विभाग को कहते हैं तो कहते हैं कि इसका कोई फंड हमारे पास नहीं है, इसका हम नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये बेचारा गांव का यहां पे जाने वाला उधर उस रोड पर पुल नहीं है जिसके चलते ये बहुत समस्या होता है। चलिए यहां पे आप समस्या देख लिए, जहां पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं वहां का भी वीडियो आप देखिएगा और इस गाँव का आप देख ही लिए। ये समस्या सिर्फ इसी पंचायत का नहीं है, ये समस्या हर पंचायत लगभग इसी हाल है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। अपना भी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।